बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेंथ क्लास 2021 और 22 का रिड्यूस सिलेबस आपके सामने है। 25% कम किया गया है। आपको ये सवालात जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले। तो 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 बरखी रौ के असरात, इसमें से कौन से टॉपिक जो है कम किए गए हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। अपने सामने किताब रख लीजिए और साथ ही साथ उसको टिकआउट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। ये इसके ऊपर कोई सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले। लेकिन बच्चों, मेरी एक पर्सनल राय ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आपको फ्यूचर में जो है कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन से जो है पॉइंट्स रिड्यूस हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पेज नंबर 47 के ऊपर, यानी 47 के ऊपर पहुंचने के बाद 47 पे ज़रा याद कीजिए, ये वाली एक्टिविटी से लेके जो है मुशाहिदा करके बहस कीजिए। ये पूरी एक्टिविटी जो आप हाईलाइट देख रहे हैं येलो से, ये पूरी एक्टिविटी आपको जो है कम कर दी गई है, आपको रिड्यूस कर दी गई है। इसके ऊपर कोई सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। पेज नंबर 48 पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो है ज़रा सोचिए वाला बॉक्स दिख रहा होगा, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर जो है 49 पे पहुंचते हैं तो इसे हमेशा जहन में रखिए, ये वाला बॉक्स जिसके अंदर ये बताया गया था कि 1 किलोवाट कितना होता है, ठीक है, किस तरीके से उसकी जो है तब्दीली होती है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस हैं और तलाश कीजिए, ठीक है। एक यूनिट क्यों कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें, हमारे घर के अंदर जो बिजली बिल आता है ये भी जो है आपको रिड्यूस कर दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तलाश करते हैं तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा और ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है फ्यूचर में काम आएगा। तो ये पेज नंबर 49 पर ये जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। 50 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं MSCB का, MCB जो है यहाँ पर आपको जो है ये वाला पोर्शन कम कर दिया गया है पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 51 के ऊपर अगर आप देखें, देखिए बच्चों, ये पेज नंबर 51 है, यहाँ पर ऊपर की जो मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 दी गई, तो ये वाली मिसालें भी जो है आपको रिड्यूस कर दी गई है। इसके ऊपर भी आपको सवाल जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और पेज नंबर 52 पे पहुँचते हैं तो साइज ना का तारुफ दिया हुआ है, देखिए, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड, तो यहाँ पर भी जो है ये भी आपको तारुफ जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला है। लेकिन इनकी जो मेहनतें थी, काविशें थी, तो ज़रूर जो है इनके बारे में पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन्होंने कितना अहम रोल अदा किया था। तो इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 52 के ऊपर, इसे हमेशा जहन में रखिए, ये वाला बॉक्स जो है रिड्यूस कर दिया गया है, आपको सवालात नहीं आएंगे। उसके बाद जो है पेज नंबर 53 के ऊपर जो है आपको कोई हिस्सा, कोई टॉपिक यहाँ पर रिड्यूस नहीं है, तमाम चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम पेज नंबर 54 पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया, सबकी सब आपको पढ़ना है। पेज नंबर 55 पे अगर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी कोई हिस्सा रिड्यूस नहीं है। 56 पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी आपको सबकी सब पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 57 पर पहुँचने के बाद पेज नंबर देखिए आप 57, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, मालूमात दी गई है गैलेनोमीटर की। तो गैलेनोमीटर के अंदर जो है जो भी मालूमात आपको दी गई थी ये रिड्यूस कर दी गई है, लेकिन पढ़ ले तो बहुत अच्छा है आपको, क्योंकि गैलेनोमीटर बहुत अहम रोल अदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैलेनोमीटर के ऊपर का सवालात आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो है पेज नंबर 57 की रिड्यूस टॉपिक था। पेज नंबर 58 पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर साइंसदानों का तारुफ, माइकल फैराडे, जिन्होंने करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी बर्फ को जो है दरियाफ्त किया था, तो इसके जो है इनके ताल्लुक़ से आपको जो है मालूमात दी गई है साइंसदानों के तारुफ में। इसके ऊपर कोई सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। पेज नंबर 59 पर अगर आप देखें, पेज नंबर 59 के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से जो है इसमें AC और DC अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट, इसके ऊपर जो है आपको ये एक्टिविटीज़, इसकी मालूमात जो है रिड्यूस कर दी गई हैं
जो आपको एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर सवालात नहीं आएंगे। उसके बाद पेज नंबर 60 के ऊपर अगर आप देखें तो 60 पर ही जो है एक रास बरखी रो का जनरेटर, डीसी जनरेटर तैयार करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो है मालूमाती जुस आपको कम कर दिया गया है, जो आपको इसके ऊपर सवालात एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। बाद में जो है मश्क शुरू होती है, मश्क में से आपको करना कंपलसरी है, मश्क कीजिए, लेकिन जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं उसके ऊपर कोई सवाल आते हैं तो वो सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है पेज नंबर 61 पर भी जो है आपको एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई परेशानी आती तो हमसे जो है कॉन्टैक्ट कीजिए, और साथ ही जो है हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रिड्यूस सिलेबस को देखने के लिए जो है वीडियोज़ की लिंक आपको दिखाई दे रही होंगी, वहाँ पर क्लिक करके जो है नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।